हे एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नेहा एंड आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं ट्रांसफार्मर रेटिंग KWA क्यों होती है। इस क्वेश्चन पर बात करेंगे क्योंकि यह लगभग सभी इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है और हर स्टूडेंट को इसके बारे में जानना ज़रूरी है। दोस्तों, आज मैं आपको सबसे पहले ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों होती है इस पॉइंट को समझाऊंगी और आखिरी में आपको ये भी बताऊंगी कि इंटरव्यू में आपसे कोई जब प्रश्न करता है तो आपको उसका आंसर कैसे देना चाहिए। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है। ट्रांसफार्मर का उपयोग हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि KVA का मीनिंग क्या होता है, मतलब KVA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो KVA का फुल फॉर्म होता है किलो वोल्टेज एम्पियर। इसमें किलो का मतलब 1000 होता है। KVA हमारे सिस्टम के वोल्टेज और एम्पियर को गुना करके निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल, KVA इज इक्वल्स टू K V A। परंतु अब हमारे मन में एक क्वेश्चन आता है कि मोटर की रेटिंग KW में क्यों होती है। तो KW का फुल फॉर्म होता है किलोवाट। KW निकालने के लिए हमें वोल्टेज और करंट के साथ साथ पावर फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट मीन्स KW इज इक्वल्स टू K V A P F। ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरह से KW निकाल सकते हैं हम। देन KVA और KW में डिफरेंस क्या होता है? दोस्तों, KVA और KW में सिर्फ पावर फैक्टर जोड़ने का ही डिफरेंस होता है। अगर हम कभी भी KVA के अंदर पावर फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह KVA से KW में चेंज हो जाएगा। पावर फैक्टर हमेशा लोड के आधार पर बदलता रहता है। एंड इलेक्ट्रिकल में मेनली 3 टाइप के लोड होते हैं। फर्स्ट होता है रेजिस्टिव लोड, सेकेंड इंडक्टिव लोड एंड थर्ड कैपेसिटिव लोड। इन तीनों लोड का पावर फैक्टर डिफरेंट होता है। जब ट्रांसफार्मर को बनाया जाता है तब इंजीनियर को यह नहीं पता होता कि फ्यूचर में उस ट्रांसफार्मर का किस पावर फैक्टर के साथ लोड में जोड़ा जाएगा। दोस्तों, बहुत से इंजीनियर को ये पता नहीं होता कि कंपनी वाले उनके ट्रांसफार्मर पर कितने पावर फैक्टर रखेंगे। इंजीनियर को सिर्फ यह पता होता है कि उनके ट्रांसफार्मर में से कितना वोल्टेज और कितना करंट को निकाला जाएगा। ट्रांसफार्मर KVA में होने के पीछे दूसरी वजह ये भी होती है। हम सभी को पता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो तरह के लॉसेस होते हैं। फर्स्ट है कॉपर लॉस एंड सेकेंड है आयरन लॉस, और उसे कोर लॉस भी बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कॉपर लॉस क्या होता है। यह ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं। कॉपर लॉस को हम करंट लॉस भी बोल सकते हैं। यह ट्रांसफार्मर से निकलने वाले करंट पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जब ट्रांसफार्मर को लोड से कनेक्ट किया जाता है उस समय ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग से करंट फ्लो होने लगता है। इसी वजह से ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में हीट पैदा होती है। इस हीट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी में कुछ लॉस होते हैं, उसे ही कॉपर लॉस बोलते हैं। देन कॉपर लॉस और आयरन लॉस क्या होता है? तो कोर लॉस हमेशा वोल्टेज के कारण होते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, ट्रांसफार्मर पर वोल्टेज हमेशा लगभग फिक्स ही रहता है, वह ज़्यादा बदलता नहीं है। वोल्टेज फिक्स होने के कारण ट्रांसफार्मर के कोर लॉस मतलब आयरन लॉस भी हमेशा फिक्स रहते हैं। दोस्तों, अब इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों के आंसर बताती हूँ। इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू के अंदर अगर आपसे ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों, यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको आंसर में बताना है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में होने के पीछे का दो रीज़न होते हैं। फर्स्ट रीज़न ये होता है, ट्रांसफार्मर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस होती है। इस रीज़न में इसमें दो तरह के लॉस होते हैं। ये लॉस वोल्टेज और करंट में कम ज़्यादा होने के चेंजेस के कारण होता है। देन सेकेंड रीज़न ये होता है कि ट्रांसफार्मर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने का काम करता है। हम उस इलेक्ट्रिकल सप्लाई में से हमारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल डिवाइस 3 भागों में बटे होते हैं। इन तीनों का पावर फैक्टर डिफरेंट होता है और यह बात इंजीनियर को नहीं पता होती है हम किस पावर फैक्टर का डिवाइस को ट्रांसफार्मर में जोड़ेंगे। तो इस बात पर आप ध्यान दें, जो भी उपकरण आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, जनरेटर या और भी कोई, इनमें से किसी की भी रेटिंग KW में नहीं आ सकती। इसकी रेटिंग हमेशा KVA में ही आएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।